हिमाचल परिवहन निगम कर्मचारी कल्याण संगठन की आपात बैठक शुक्रवार को प्रधान बीडी सिंह की अध्यक्षता में परिवहन निगम कर्मशाला में हुई, जिसमें मंडी में आक्रोश रैली में उपस्थित होने के बारे में विचार विमर्श किया गया। सेवानिवृत्त परिवहन कर्मचारी संगठन के सचिव त्रिलोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों का तुरंत निपटारा किया जाएगा, परंतु समय अवधि बीत जाने पर भी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने इस दौरान सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट करते हुए जमकर नारेबाजी की तथा मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करके लंबित मांगों का तुरंत हल निकालने का अनुरोध किया गया। आज की जो मीटिंग का आयोजन है वो इसी लिए किया गया था कि 15 तारीख को जो मंडी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के तरफ से एक रोष रूप में जो वो धरना प्रदर्शन रैली निकाली जाएगी, जिसका जो आयोजन के बारे में मीटिंग कॉल की तो जिसमें सभी बंधु जो है वो मंडी प्रदर्शन के लिए जो बिल्कुल अपने दिल से तैयार हैं कि हम सरकार के विरुद्ध संघर्ष की लड़ाई में जाएंगे और जो वो लड़ेंगे के जो है वो माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इसके बारे में तुरंत जो है वो तुरंत खुद हस्तक्षेप करें और सेवानिवृत्त कर्मचारी के जो वित्तीय देय है उनका जल्दी भुगतान करने की कोशिश करें, नहीं तो अन्यथा कर्मचारी जो वो बैठेंगे नहीं आराम से बैठेंगे, अगला स्टेप हम सेक्टर के ऊपर जो वो धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल भी करना पड़े तो उसके लिए हम लोग को मुश्किल होगी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता।